हिंदू धर्म में भगवान से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसके बारे में लोग शायद कम ही जानते हैं। वैसे तो आज के इस दौर में भगवान के दिव्य दर्शन हो पाना नामुमकिन है, लेकिन उनके चमत्कार आज भी हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार आप धर्म और आध्यात्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे यानी बड़े हनुमान जी के मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ भक्तों को उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। हनुमान जी के मंदिर विश्व के कई देशों में हैं, लेकिन प्रयागराज में दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर एक बांध पर स्थित है, इसलिए इसे बंधवा हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। लोग इसे बड़े हनुमान जी का मंदिर या लेटे हनुमान जी का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं में लेटे हनुमान जी के मंदिर को लेकर कई ऐसी मान्यताएं जुड़ी हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हैं। बता दें कि संगम तट पर स्थित ये मंदिर काफी पुराना है। इसके अलावा इस मंदिर में आज भी चमत्कार देखने को मिलते हैं, जहाँ लेटे हनुमान जी को गंगा मैया स्वयं स्नान कराने आती हैं। प्रतिवर्ष गंगा मैया मंदिर से काफ़ी दूर रहते हुए भी लेटे हनुमान जी को दर्शन और स्नान करा कर ही वापस जाती हैं। आज निकले इसीलिए थे पूरे परिवार सहित कि आज मंगलवार के दिन बड़े हनुमान जी के बहुत महत्व सुना है और संगम में अक्सर बाढ़ के नज़ारे देखने के लिए लोग निकलते हैं। आज हम भी पूरे परिवार सहित निकले थे कि भगवान के दर्शन भी कर लेंगे और गंगा मैया के दर्शन भी कर लेंगे। जय गंगा मैया की। तो भी देखने की चाह रही होंगी? जी बिल्कुल, हमें ऐसा लगा था कि शायद अंदर तक आ गई होंगी, लेकिन अभी बाहर ही है। अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर अगले हफ्ते भी आना चाहेंगे कि अगर अंदर आ जाएंगी तो बाहर से दर्शन हो जाएगा। हम लोग आवाहन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष आती हैं यहाँ गंगा मैया भगवान के स्नान कराने हेतु। तो अभी दूर है पर ऐसा मानना है कि वो आएंगे जरूर, और ऐसी मान्यता भी है कि आती हैं प्रत्येक वर्ष, और जब भी आई हैं तब भारत में सुख शांति रही है। कोरोना महामारी जो है वह मुझे पूरा भरोसा है गंगा मैया जब भगवान को स्नान कराएंगी दूर हो जाएगा कोरोना बीमारी। तो अभी हम लोग आह्वान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर यही गति रही तो दो चार दिन में बार भगवान का स्नान हो जाएगा।